सामाजिक और भावनात्मक योग्यता। मैं आज बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक योग्यता के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। बच्चों का जन्म से ही सामाजिक भावनात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। बहुत आवश्यक है कि हम सामाजिक और भावनात्मक योग्यता के महत्व को समझें। इससे जीवन व्यापन सरल हो जाता है, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाना और बनाए रखना दोनों ही आसान हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही हर काम सीखते हैं, जैसे कि भावनाओं को समझना, उन्हें व्यक्त करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, सामाजिक प्रथाओं को समझना, रिश्तों की समझ, किस स्थिति में कैसा बर्ताव करना आदि। इसके उपरांत माता पिता अपने बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने के लिए कई और बातें सिखा सकते हैं, जैसे कि उन्हें अलग अलग भावनाओं के बारे में बताना, उन्हें आत्म जागरूक बनने के लिए प्रेरित करना, जरूरत पड़ने पर स्वप्रबंध करना, जिम्मेदार बनना, अपनी सूझबूझ से सही निर्णय लेना आदि। बच्चों को सामाजिक रूप से जागरूक करना, अलग अलग संस्कृतियों की समझ देना, रिश्तों और संबंधों को पहचानना, इन सभी बातों पर ध्यान देकर हम बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में भागीदारी दे और समाज के विकास में साझेदार बनें।